हाय, गुड मॉर्निंग। पता नहीं गुड मॉर्निंग है या नहीं है आज मेरी, मुझे नहीं पता फिलहाल। सॉरी, मैं तो आप लोगों का वेलकम ही करना भूल गया था पहले से। मेरे फ़ोन में पट पट पुट पुट पता नहीं क्या कुछ आता रहता है। खैर, और सुबह के करीबन 10 बज चुके हैं, ठीक है। और चाय चाय चल रही है। आज का दिन भी मुझे मेरे फ़ोन के बिना ही बिताना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिना फोन के, अजीब सा लग रहा है। और फिर मम्मी का फोन है, कभी कभी मम्मी को चाहिए होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही। मनराज के पापा खा रहे खाना फिलहाल अभी, और मनराज सो रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग। अरे यार, बिना फोन के सच में कोई ज़िंदगी नहीं है। अब हम लोगों ने सच में ना फोन को अपनी लाइफ बना लिया है। पता नहीं आज भी मंदाज के पापा लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे फोन को सही करवा के। लाओ मैं फोन को सही करवा के। वैसे उसने बोला था कि एंड टू एंड दे देगा, 1 घंटे में दे देगा। है क्या बोल रहे हैं, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। सच में जब ना कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो एक के बाद एक ऐसे आती रहती है ना, बहुत ही ज़्यादा। वीडियो का बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं स्टार्ट करूं, पर फिर भी मैंने स्टार्ट कर दी, क्योंकि बिना वीडियो के अच्छा भी नहीं लगता सच में। चाहे भले छोटी सी बनाऊँ, लेकिन बिना बनाए नहीं मेरा मन मानता। ये लो और पैसे दे दो। वो चालू होते हैं, आदमी लोग अपने पैसे रख लेते हैं, और जब वाइफ के पैसे देने का टाइम आता है तो हाथ खड़े कर देते हैं। हमारे पास तो है ही, ख़त्म ही हो गए हमारे। चालू कोई नहीं, चाय गिरा देते हो, दे दो ना, दे रहा हूँ, जल्दी दे दो। मैंने तो 1 सेकंड लगा, मैं लगाती 1 सेकंड, मेरे से मांगते ना 1 सेकंड में देते हो। ये लो पकड़ो, और इनसे मांगते रहो ना, ऐसे जल्लो वाला मुंह बना बना के देखते हैं ना। जो मेरे मेरे को पूरे चाहिए, कटक कटा के नहीं चाहिए। नहीं दिए थे ले। और मैंने आप लोगों से बोला था ना, चूड़ियां नहीं आने वाली, नहीं आई। ऐसा ही होता है मेरे साथ तो, स्पेशली ऐसा होता है। मुझे पता होता है ना, ये कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला। मुँह देख रहे इनका बना रखा। खैर चलिए, मनराज सो रहा है अभी फिलहाल, उठेगा तो फिर मिलवाती हूँ। मैं हमेशा सोते हुए को दिखा देती हूँ, अभी सो रहा है फिलहाल, अभी पूरे पक नींद में है, क्योंकि कल इसको हमने दिन में सोने नहीं दिया था। तो ये भाई साहब इतना ज़्यादा थक गए, इतना ज़्यादा थक गए कि रात में आराम से सोए हैं। हम भी आराम से सोए, वरना ये पूरी रात जागरण करवाता है बहुत ज़्यादा। खैर चलो, मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद करती हूँ आप लोगों से बात। पर कल मैंने अपनी वीडियो उसमें लगाई थी लैपटॉप पे, मेरी 32-35% हो गई थी सेव फोन एट ए टाइम। एट ए टाइम मेरे लैपटॉप का भी चार्जर हो गया खराब, बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क तो सत्यानाश हो गया। कल तो तुम भूल गए थे लगाना। मनराज बार बार क्यों फेंक देते हो, क्यों फेंकते हो बार बार, क्यों फेंक देते हो बार बार? चलाओ गाड़ी, चलाओ गाड़ी चली चुक 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 जल्दी बैठो फट 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 नानो जल्दी से, नहीं नहीं करो। आई 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 आई
चले अब अंदर चले, नहीं अभी और नहाना है, और नहाना है अभी। हुई हुई। ओले मेरा मनराज ना बॉटल में दूध नहीं पीता, देखो कैसे पीता दूध। देख गुड बॉय हो गया, गुड बॉय। मूछो वाला दूध वाली मूछो वाला चाप कर दी। पीलो 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 ना, दिखाओ मुंह दिखाओ। डिडविल मुझे लगी हुई थी भूख, तो मैं फटाफट में किचन में आ गई हूँ अपनी मैगी बनाने के लिए। तो मैंने आलू कट करके, सबसे पहले मैंने आलू डाल दिए इसके अंदर, और अब मैं प्याज और हरी मिर्ची काट रही हूँ। मम्मी ने सुबह आलू के परांठे बनाए थे तो पास में ही पड़ी हुई थी हरी मिर्ची, तो जल्दी से मैंने हरी मिर्ची भी काट ली है। मेरे आलू जब तक फ्राई हो रहे हैं मैं अपना सारी तैयारी कर लेती हूँ फटाफट मैगी वैगी की। मुझे मैगी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे फ्राई करके बना के खाने में। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर करी है, और ऐसे नॉर्मली शायद आप सब भी बनाते होंगे प्याज टमाटर डाल के, और मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जिसे मतलब मैं बोल नहीं सकती बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और लंच में हमने इस आज जो है मैगी खाई है, क्योंकि सुबह आलू के परांठे खाए थे तो ज़्यादा हैवी हो गया था। तो मैगी मेरी हो गई है तैयार, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लुक आई है। मुझे ऐसी मैगी बहुत अच्छी लगती है, मैं तकरीबन ऐसे बनाती हूँ। और लाल मिर्ची नहीं हरी मिर्च डालती हूँ, आलू प्याज टमाटर, और देखिए कितनी अच्छी बनी। आज हमारा मनराज जो है वो हमारा सो गया है। अभी गर्मी को 3 दिन हुए हैं, 1 2 3 3 दाने हो गए। और मनराज ये देखो ये छो गया। अभी फ़िलहाल हम मैगी खाएंगे, उसके बाद जब मनराज उठेगा उसके बाद देखेंगे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, क्योंकि आजकल इन्हीं के हिसाब से बनता है, और फिर तभी हम खाते, नहीं तो हम खा लेते हैं फिर ये सोया रहता है, इसलिए मन नहीं मानता। हरी मिर्ची डाली है उसमें मैंने। दो चार खा लेता है पड़ी हुई, और मतलब बनी हुई नहीं वैसे पड़ी हुई है। मैंने इतनी सारी मैगी खा ली, एक डेढ़ मैगी थी, डेढ़ मैगी मैंने खा ली, थोड़ी सी मम्मी को दी थी, क्योंकि मम्मी को ये मैगी नहीं पसंद, मम्मी को वो कौन सी वाली यार यिप्पी वाली पसंद है, तो ये वाली मम्मी कम ही खाती हैं, तो थोड़ी सी उनको दी, बाकी मैंने खाई। और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है ना ज़्यादा खाना भी ना बुरी बात होती है, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए इंसान को, नहीं। और मुझे लगा था मनराज उठ गया पर ये सो रहा है अभी। यार गर्मी बहुत हो रही है, 3 दिन से इतनी ज़्यादा, सॉरी 3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बस पूछो मत। बारिश का तो नामो निशान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और अगर बारिश हो भी जाती है 1% के लिए तो बस 2 सेकंड के लिए बारिश होती है, उसके बाद में फिर अचानक से धूप निकल आती है, और आपको पता है कि बारिश के बाद अगर धूप होती है तो बहुत गंदी वाली गर्मी होती है। तो बस वही हुआ, पता नहीं कब मौसम ठंडा होगा, कब सर्दी आएगी। मुझे सर्दी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, सबसे अच्छी सर्दी होती है, गर्मी तो बकवास, सब इसलिए बकवास होती है क्योंकि इसमें मक्खियाँ आती हैं सबसे ज़्यादा मक्खी आती है, और गर्मी की वजह से चिप 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 लाइट चली जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। सर्दी में लाइट आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, कोई पसीने की दिक्कत नहीं है, मक्खियों की कोई खास टेंशन नहीं होती। मक्खियाँ तब आती हैं अगर हम गंदगी फैलाते हैं, मीठा गिरता है तो मक्खी आपको दिखेगी, अदरवाइज जैसे गर्मी में मक्खी होती है ना वैसे नहीं होती है। फिलहाल अब मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ जब तक मनराज लेटा है, उसके बाद फिर करती हूँ आप लोगों से बातें, देखती आगे क्या। अभी तो मैं लेटी भी नहीं थी,
और नींद अभी आनी स्टार्ट ही हुई थी मुझे, और यहाँ पर देखो कौन उठ गया, ये देख देख देख। हर मम्मी की यही स्टोरी है, जैसे ही कोई मम्मी दिन में अगर बाई चांस कभी लेटने की कोशिश करे तो बेबी हमेशा उठते ही उठते। हाँ जी, और ये नहा धो के अपना फ्रेश होके आराम से सो गए, इन्होंने बस थोड़ा सा दूध पिए, जैसे कि अभी आपने देखा था। हाँ जी, कि मेरा मनराज जो है वो गिलास में दूध पी लेता है फिलहाल, तो गिलास में दूध पी के अलार्म चेंज हो गया, ऑल ऑफ यू के मुझे पर जान कर रहा गंदा बच्चा। हाय, हेलो, ऐसे हाय कर दो, हाय हाय हेलो करो, करो ऐसे हाय हाय। ये क्या कर रहा है ये गागला गंदा बच्चा। और मुझे पता है मेरे इस वाले मोबाइल से आपको क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिल रही, बिल्कुल ज़ीरो क्वालिटी मिल रही है वीडियो की, पर सॉरी गाइस, कोशिश है कि आज शायद आज आ जाए मेरा फ़ोन, मुझे पक्का नहीं पता। आ जाएगा तो सबसे पहले आप लोगों को गुड न्यूज़ ज़रूर दूंगी कि हाँ चलो आ गया ठीक ओके, वरना इसके साथ ही काम चलाना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लेके जाऊँगी, इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ और कट करती हूँ। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।